महिला गठबंधन में आप शामिल हैं, तो फूलपुर लोकसभा सीट से क्या आप इस बार चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, सीट का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। हम कार्यकर्ता मात्र हैं और ऐसे में कार्यकर्ता होने के नाते जो भी निर्देश आदेश हमको प्राप्त होगा, हम सभी कार्यकर्ता एक मुश्त काम करेंगे। तो लगभग ये तय है कि आप लोकसभा सीट को ऑनर कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सीट कौन सी होगी, कौन प्रत्याशी होगा, इसका निर्धारण राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व करेगा। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारा काम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी निर्देश हो वो जनता के बीच में पहुंचाना, और उसी के तहत आज हम यहां पहुंचे हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं, जिसमें करोड़ों की परिवार की इस दौरे की वजह से क्या यूपी में चुनावी माहौल बदलेगा? देखिए, अभी विगत एक महीने से जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसको चुनावी एजेंडे के तहत ही देखना सही होगा। तमाम योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि उन घोषणाओं का जो जमीनी क्रियान्वयन है वो हम देखें, क्योंकि जनता के हित में होना चाहिए। अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो वो दावा कर रही है कि 80 में से 80 सीटों में हम जीत हासिल करेंगे, जबकि आप सहित चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यूपी से बाहर होगी। तो क्या हो, क्या लगता है, क्या सिनेरियो बन सकता है? देखिए, हम इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि अपने गठबंधन के पक्ष में हम ज्यादा से ज्यादा मुद्दा आधारित लोगों को संपर्क करते हुए, संतुष्ट करते हुए अपने साथ लाएं, और निसंदेह चुनाव में उतरे हैं तो जीत की आकांक्षाएं अपेक्षाएं सभी की होती है। बात करें एमएलसी चुनावों की, तो आपने कौशाम्बी में अपने कार्यक्रम में साफ कर दिया था, अभी क्या लगता है आपके, क्या आपकी वोटिंग किस तरह की होगी और किस तरह के एमएलसी चुनाव में आपका? देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर के अभी जो वोटिंग का दिन है वो थोड़ा दूर है, और ऐसे में हमारे पार्टी नेतृत्व जो भी निर्देश करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम सभी वोट करेंगे। अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं आपका समर्थन किया है और आपसे समर्थन मांगा भी है, तो आपने जो शर्तें रखी क्या वो गठबंधन मानेगी? देखिए, गठबंधन में एक सशक्त भूमिका निभाने के अलावा हमारी कभी भी कोई मांग नहीं रही, कोई शर्त नहीं रही। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा संगठन जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर हम इस गठबंधन में पूरी ताकत से गठबंधन का सहयोग करते हुए बढ़त की तरफ बढ़े। ये सम्मेलन का 24 का आगाज होगा? देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन है और चुनाव तो आगाज लगभग हो ही चुका है, क्योंकि सीटें डिक्लेयर कर रही हैं दोनों तरफ के अलायंसेस, और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारे अलायंस में जो भी प्रत्याशी यहाँ पर आए उसको हमारा गठबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आगे ले जाने का काम करे। आपने समाजवादी पार्टी के सिंबल से इलेक्शन लड़ा था, क्या इस बार लोकसभा चुनाव में कैमरा अपना सिंबल इस्तेमाल करेगी या इस बार भी वो किसी दूसरे सिंबल से अपने उम्मीदवार उतारेगी? देखिए, पिछला जो 2022 का गठबंधन था उसपे सिराथू सीट पर मैं स्वयं चुनाव लड़ी थी और माननीय अखिलेश यादव जी के आग्रह पर मैंने उनका सिंबल को चूज किया था गठबंधन प्रत्याशी के रूप में, और 2024 को हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ऐसे में कौन सा सिंबल होगा, किसका होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व के विचार का विषय है, और मुझे नहीं लगता कि मैं आधिकारिक रूप से सही व्यक्ति हूँ इस पे जवाब देने के लिए। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।